गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, इन टुडेस वीडियो आई एम गोना शेयर माय स्किन केयर रूटीन विद फ्यू ऑफ द प्रोडक्ट रिव्यूज। सो मैंने सोचा हम डेली थोड़ा बहुत स्किन केयर तो करते हैं, व्हाई डोंट जस्ट शूट अ वीडियो ऑन इट। ऑल्सो आज मैं आपको सारे अपने प्रोडक्ट्स के रिव्यूज भी बताने वाली हूँ, तो इट विल गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर दोज पीपल दोज हू हैविंग द ऑयली स्किन, फॉर गर्ल्स, नॉट फॉर द बॉयज, गर्ल्स के लिए। सो जिनकी ऑयली स्किन है, दे कैन यूज दीज प्रोडक्ट्स विच आई एम यूजिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम, एंड ऑल्सो आई एम रिकमेंडिंग यू टू गो फ्यू ऑफ द थिंग्स लाइक इन अ प्रॉपर मैनर, जो मैं आपको आज वीडियो में बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। So the first thing I'm gonna tell that I don't have anything on my skin right now. It's just like all clear. I just had a shower आधा घंटे पहले ही, and उसके बाद shower लेने के बाद I just didn't do anything like cleanser, उसके बाद scrub किया, and then I just like why don't you just shoot a video and get ready. Okay, तो फिर भी एक बार skin को clear करके let us start the video. Okay, first I'm taking the baby wipes. This is from Himalaya since 1930. And it having contains 72 wipes with extra soft, and I think this is the best wipe I'm using till now. So I'm just okay. So I did cleaning my face. Firstly, I wanna share my experience with you everyone that I am using Himalaya. This is from Himalaya since 1930 Fairness Care Kesar Face Wash Insta Glow. Because काफी time से I must be having some busy schedules, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा dullness हो रहा था face के ऊपर. So मेरी oily skin है, so I have to take care of it like बहुत ज्यादा. So I am using this Himalaya face wash since like 15 or 20 days. This is only about 130 rupees. ज्यादा महंगा नहीं है, एंड बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है. द कंसिस्टेंसी इट इज हैव, इट्स लाइक अ क्रीम बेस्ड और जेल बेस्ड टाइप ऑफ अ थिंग, एंड इसको जब आप अप्लाई करते हो फेस पे, इट्स जस्ट मॉइस्चराइज योर स्किन. वो आपकी स्किन को बिल्कुल ड्राई नहीं करती है, जो कि जरूरी नहीं है कि ड्राई करे. तो दैट इज वाई फॉर दिस आई एम गिविंग 10 out of 10, बिकॉज दिस फेस वॉश इज अमेजिंग, बिकॉज इट्स डज नॉट इरिटेट योर स्किन. If you have oily skin, you can go for it. If you have dry skin, you can also go for it. Also, if you're having like combination skin, you can also go for this. Or agar aapki sensitive skin hai, also you can use this Himalaya. Since 1930 Fairness Kesar Face Wash. हम सबको पता है केसर हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा होता है. That's why. Okay, so first thing I use when I have my shower or my skin care routine in the morning, I use this on my face. Second thing, my skin has too much of oil. It's like too much of oily skin. So mostly I use this scrub. This is from VLCC Natural Science. Gold scrub with gold leaves exfoliates skin for radiant complex jewel radiance. Okay. ये just amount है इसका. One second. I don't know what's the amount of this. Maybe. ओके, इट्स अराउंड 200 अप्रॉक्स, या 200 रुपए का है, जस्ट 200 रुपीज ओनली, एंड इट गिव्स यू इंस्टेंट ग्लो, जिसको आप कहते हैं ना गोल्डन ग्लो आता है जब भी आप फेशियल कराते हो. इट्स गिव यू दैट बिकॉज मेरी ऑयली स्किन है, आई नो हाउ मच इज इम्पॉर्टेंट टू एक्सफोलिएट इट टाइम टू टाइम. सो आई विल यूज इट लाइक 3 or 4 टाइम्स इन अ वीक, क्योंकि आई हैव टू मच ऑफ ऑयली स्किन आफ्टर क्लिंजिंग माई फेस विद द हिमालय फेयरनेस केसर फेस वॉश. आफ्टर दैट आई यूज दिस स्क्रब लाइक 3 or 4 टाइम्स इन अ वीक. उसके बाद आई यूजली डू दिस. तो ये दोनों स्टेप्स तो हम इनको रिकमेंड करेंगे, लाइक मैंने ये कर लिया, एंड आई हैव डन दिस ऑल्सो इन माई शावर. उसके बाद आई यूजली, नॉट यूजली लाइक कंपल्सरी है ये मेरे लिए टू यूज अ टोनर. ये टोनर, दिस इज फ्रॉम गुलाबरी रोज ग्लो फेस वॉश 3-in-1, क्लीन क्लेंस मॉइस्चराइज एंड रिफ्रेश. ओके, लेट्स जस्ट स्टार्ट. ओके, सो आई पुट 3 or 4 स्प्रेज ऑन माई फेस, इफ यू कैन एबल टू सी, एंड डैब इट लाइक प्रॉपरली. Okay.
Okay, after dabbing the rose water, my fourth thing I have usually have vitamin C face serum. Okay, I want to give the review of this gulabri because मैं ज़्यादातर कोई toner लेती नहीं हूँ extra essence में. मैं हमेशा से gulabri का ही use करी. Rose water is the best toner for my skin and मैं recommend करूँगी those girls who are having the oily skin, please go for the rose water क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे serums and toners होते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा alcohol होता है which is not good for your skin, so please go for the rose water. Okay, fourth thing I have in my skin care routine, Garnier Skin Natural Light Complete Sweet with Vitamin C Booster Serum, dermatologically tested. Okay, ये tested भी है, ये proven भी है and I think this is the best serum I have till now. So, इसको यूज करते हैं. द फोर्थ स्टेप आई हैव जस्ट टेक अ स्मॉल अमाउंट. इफ यू वॉन्ट टू यूज यू कैन यूज इट ऑन योर नेक ऑल्सो इफ यू वॉन्ट. ओके, व्हाइल आई एम जस्ट स्मैशिंग ऑन माई फेस एंड अप्लाइंग ऑन माई फेस प्रॉपरली, आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द रिव्यूज. ओके, दिस इज द बेस्ट टोनर फॉर ऑयली स्किन. ये थोड़ा सा ऑयल करेगा, थोड़ा सा ग्रीसी करेगा आपकी स्किन को. वेन यू स्टार्टेड लाइक आप इसको फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम लगाते हो, इट विल मेक योर स्किन थोड़ा सा ग्रीसी एंड उसके बाद आपको इसकी हैबिट हो जाएगी. इट विल लाइक एब्जॉर्ब टू योर स्किन. वो बोलते हैं ना ग्लास स्किन होती है, उस तरीके से देखो यू कैन एबल टू सी जहां जहां मैंने अप्लाई किया इट्स जस्ट लाइक शिमरिंग राइट द नेक पोर्शन द चीक्स. आई हैवंट अप्लाई एनी काइंड ऑफ हाइलाइटर एंड इट्स Let's just come closer to the camera. Now I think, yeah, okay. After this, after applying the serum on my face, okay. इसके reviews की बात करें तो ये काफी ज्यादा अच्छा है for oily skin because इसके अंदर vitamin C है, the plus point which is very important for your skin nowadays. इतने pollution के साथ, so Garnier Skin Natural, I will recommend for the girls those who having the oily skin, they can go for it. Also those who having dry skin, they can also go for it because vitamin C तो सबके लिए अच्छा होता है. I think that's good. Okay, the fourth thing I have in my skincare routine, which is very 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 important for oily skin, for men, women, बच्चों के लिए, like एक age group के बाद it's very important. These are the two sunscreen which I am using till now. One is from Mamaearth Hydra Gel because मेरी oily skin है. I am mentioning again and again. Those who are watching my channel or my this video, or dry skin है अगर आपकी, I am not telling all these things for the dry skin. This is all skin care routine for the oily skin because I am a oily skin person. Okay, so Mamaearth Hydra Gel Indian sunscreen, aloe vera with raspberry. This is the one which I am using since 4-5 months. 4-5 months से मैं इसको यूज कर रही हूँ एंड आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ दिस. आई ऑर्डर्ड इट फ्रॉम मामाअर्थ वेबसाइट एंड आई थिंक दिस इज अ गुड. इसकी कंसिस्टेंसी की अगर बात करें, आई विल अप्लाई वन साइड दिस एंड इस तरफ हम दूसरा अप्लाई करेंगे. ओके, आई एम टेकिंग ओनली दिस मच क्योंकि ऑयली स्किन होने की वजह से आई कांट यूज बहुत ज्यादा. ओके, सो दिस साइड आई हैव ओके, इस तरफ तो मामाअर्थ का यूज किया है एंड द अनदर साइड वी विल गोइंग टू हैव लैक्मे सनस्वर्क. मैं रिव्यू पे आऊंगी इनके एंड आई थिंक ज्यादातर मुझे लैक्मे ही पसंद है क्योंकि लैक्मे के अंदर मैट फिनिश है. यू कैन एबल टू सी इट नाउ, अभी आप विजिबली देख लोगे. ओके, इफ यू एबल टू कैन सी हियर वी हैव इन द लैक्मे एंड दिस साइड वी हैव इन द मामाअर्थ सनस्क्रीन. ओके, नाउ लेट्स कम टू द रिव्यू. मामाअर्थ मैं आपको सजेस्ट करूंगी सनस्क्रीन बट नॉट लाइक आई एम गिविंग टू गेस द नंबर अबाउट 10 में से 8 मार्क्स ओनली फॉर दिस. रेटिंग में अगर बात करें तो 10 में से 8 इज इनफ फॉर मामाअर्थ सनस्क्रीन बिकॉज मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी है. इट्स लाइक हैव जेल कंसिस्टेंसी है
लेकिन वो बहुत ज्यादा ही थोड़ा ऑयल प्रोड्यूस करती है आपके फेस के ऊपर, तो आई वोंट सजेस्ट यू टू गो फॉर इट. मैं ज्यादातर इसको बॉडी पे यूज करती हूँ, सो फेस पे नहीं. ओके, माय ऑल टाइम फेवरेट सनस्क्रीन इज लैक्मे सन एक्सपर्ट, ब्लॉक्स अप टू 97% यूवी रेज विथ 50 SPF. अल्ट्रा मैट है, तो दैट्स द बेस्ट पार्ट इन दिस, कि अल्ट्रा मैट है, लाइट है एंड नॉन स्टिकी है. आई एम यूजिंग इट लाइक सिंस अ लॉन्ग टाइम, लाइक 1 to 2 years हो गया होगा. सो मुझे जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं इसके बाद कुछ लगाऊं, बट इट इज इम्पॉर्टेंट व्हेन एवर यू अप्लाई एनी सनस्क्रीन, तो आप उसके बाद कोई भी अपना पर्सनल मॉइस्चराइजर जो भी आप लगाते हो वो आप यूज करो. ठीक है, नेवर लीव योर स्किन आफ्टर जस्ट अप्लाइंग अ सीरम और अ टोनर, बिकॉज इट्स प्रोड्यूस मोर ऑयल व्हेन यू जस्ट लीव योर स्किन विदाउट एनी केयरिंग और विदाउट एनी मॉइस्चराइजर विच यू आर यूजिंग लाइक डेली बेसिस. सो आई विल सजेस्ट द ऑयली स्किन पर्सन और गर्ल्स, सो गो फॉर इट, दिस इज द बेस्ट. एंड द अमाउंट ऑफ दिस, ये बहुत छोटू सा पैक है एंड इट इज जस्ट ओनली 350 ml है, सिर्फ 50 ml है, ओनली 300 rupees में. एंड अगर आपको बड़े पैक चाहिए वो भी मिलते हैं, 100 ml भी होता है, तो इट इज अबाउट 600-700 अपग्रेड होता है अपने ml के हिसाब से. तो दिस इज द बेस्ट चॉइस आई एवर हैव हैड, सॉरी. ओके, नाउ कम ऑन द मॉइस्चराइजर्स. आफ्टर अप्लाइंग द सनस्क्रीन आई हैव दीज टू मॉइस्चराइजर जो मैं सीक्वेंस वाइज चेंज करती रहती हूँ. दिस इज वन फ्रॉम लैक्मे, दिस इज वन फ्रॉम लोटस. ओके, लोटस की बात करें तो आई थिंक लोटस इज द प्रोडक्ट विच आई रिकमेंड एवरी वन, जिसकी ऑयली स्किन है उसको भी, जिसकी ड्राई स्किन है उसको भी, बिकॉज लोटस के अंदर लोटस हर्बल है, ऑब्वियसली वी नो कि लोटस हर्बल के नाम से ही चलता है. सो दैट इज द बेस्ट पार्ट, कि उसमें हर्बल एसेंस होते हैं, वो बिल्कुल इरिटेट नहीं करता आपकी स्किन को. लोटस हर्बल्स वाइट ग्लो स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग जेल क्रीम, एंड इट इज अ जेल बेस्ड क्रीम. गाइज, आप लोगों को अच्छे से पता होगा, गर्ल्स आउट देयर, दैट यू हैविंग अ ऑयली स्किन, इफ यू हैविंग ऑयली स्किन, दैट इज इंपॉर्टेंट टू अप्लाई एनीथिंग ऑफ विद द कंसिस्टेंसी जेल, राइट. ओके, दिस इज जस्ट 60 grams एंड 93, ओके दिस इज अवर 400 rupees, और ये 60 ग्राम है, ओनली 400 rupees. एक्सपेंसिव नहीं है, बिकॉज इफ यू आर इन्वेस्टिंग टू मच ऑफ लाइक समथिंग एल्स, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अ डेज टू इन्वेस्ट योर मनी इन अ गुड प्रोडक्ट फॉर स्किन केयर रूटीन. ओके, सो दिस इज द बेस्ट थिंग. आई हैव लोटस हर्बल विथ 400 rupees, ओनली 60 ग्राम दे हैव. सो अगर आप ये लेते हो, इट्स अराउंड 2 months आराम से चल जाते हैं, बिकॉज ऑयली स्किन वालों को इतना सारा लगाने की जरूरत नहीं होती. इट्स लाइक 2 or 3 drops एंड इट्स लाइक कवर योर फेस प्रॉपरली. लेट्स जस्ट डू दैट. ओके, आई एम टेकिंग जस्ट 4 drops ओवर हियर. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्रीम, आई हैव द मॉइस्चराइजर, दिस इज लैक्मे एब्सोल्यूट हाइड्रा प्रो जेल क्रीम. आई बेसिकली यूज दिस हाइड्रा प्रो जेल क्रीम इन द नाइट, बिकॉज रात को इसको लगा के इट जस्ट लाइक, मैं उसकी बहुत थिक लेयर लेती हूँ एंड इट्स मेक लाइक अ मास्क की तरह, आप उसको लगा के इजिली सो सकते हो. दिस इज द कंसिस्टेंसी. बहुत जेल जो इस पे है, इसका नाम दैट इट्स अ जेल बेस्ड, तो एग्जैक्टली ये वैसी ही है, इट्स अ प्रॉपर जेल बेस्ड. द पैकेजिंग इज सो गुड, द कलर, इट्स सो लाइक क्रिस्टल बॉटल. ओके, आई विल गिव यू द रिव्यूज, वेट, लेट मी जस्ट अप्लाई बोथ द क्रीम्स. ओके, आई विल रिकमेंड इफ यू वॉन्ट टू बाई एनीथिंग लाइक, ओके, इफ यू सी एबल टू सी द डिफरेंस, आई डोंट नो वेदर यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट और नॉट, बट आई कैन ईजिली हैव. ओके, ये जो है दिस पोर्शन, दिस लैक्मे एब्सोल्यूट हाइड्रा प्रो, ये सच में हाइड्रा प्रो है. इट जस्ट हाइड्रेट योर स्किन, इट्स मेक योर स्किन सो पल्पी एंड सो स्क्वीजी, बहुत अच्छी कर देती है आपकी स्किन को. एंड ये जो वाइट ग्लो है, इसको आप डे में यूज करो, क्योंकि बिकॉज हमारी स्किन डे के अंदर बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, बिकॉज वी ट्रैवल अलॉट, हम बाहर भी जाते हैं, तो इसलिए आई विल सजेस्ट यू टू डू अप्लाई दिस इन द मॉर्निंग, लाइक इन द होल डे, एंड इफ यू आर गोइंग टू द बेड एट द नाइट, एंड इफ यू वॉन्ट अ क्रीम इट्स विच वर्क्स लाइक लाइक समथिंग मास्क की तरह काम करे, सो गो फॉर दिस लैक्मे एब्सोल्यूट हाइड्रा प्रो, बिकॉज ये सच में हाइड्रा प्रो है. इट्स गिव योर स्किन इट्स हाइड्रेट बहुत ज्यादा कर देती है. आई थिंक दैट्स अ बेस्ट पार्ट. ओके, आफ्टर अप्लाइंग दीज थिंग्स, उसके बाद ये मेरा स्किन केयर हो गया.
उसके बाद कहीं भी इफ आई वॉन्ट टू गो आई जस्ट स्टिक टू दिस प्रॉपर स्किन केयर रूटीन बिकॉज ये बेसिक है. इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने एलिमेंट्स डाले हैं या करने में बहुत ज्यादा टाइम लगे. इट जस्ट टेक हार्डली 10 मिनट्स टू पैम्पर योर स्किन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अडेज, क्योंकि पैम्पर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बस ये स्क्रब की बात करें तो आई विल यूज लाइक 3 or 4 times इन अ वीक, तो इसको डेली नहीं ले सकते. बाकी हमारा क्लिंजर, टोनर, द विटामिन सी सीरम गार्नियर की तरफ से जो मैंने आपको बताया, एंड द सनस्क्रीन मामा अर्थ एंड द लैक्मे क्रीम. एंड उसके बाद क्रीम की बात करते हैं, मॉइस्चराइजर की उनका रिव्यूज मैंने आपको बता दिया. गो फॉर द लोटस इन द मॉर्निंग एंड लैक्मे फॉर द नाइट हाइड्रा गो. मैं लिंक्स उसके नीचे डाल दूंगी, यू कैन बाय इट. ओके, ये मैंने आई बाय दिस फ्रॉम पर्पल, ये मैंने पर्पल से बाय किया है. दिस इज फ्रॉम ऑफलाइन स्टोर एंड दिस इज फ्रॉम ऑनलाइन पर्पल. एंड बाकी सब कुछ मेरा आइटम ऑनलाइन ही होता है मोस्टली, एंड दिस इज ऑब्वियसली हमेशा ऑफलाइन होता है क्योंकि ये तो स्टोर नॉर्मल मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम ऑनलाइन. माई सनस्क्रीन आर ऑल्सो फ्रॉम एवरी टाइम ऑनलाइन. ओके, आफ्टर पैम्परिंग माई स्किन वेरी सॉफ्टली वेरी सफल, क्योंकि अभी क्योंकि मेरे फेस पर मेकअप बहुत अजीब सा लगता है. आई थिंक आई गेस मुझे मेरे फेस पे इतना मेकअप अच्छा नहीं लगता बिकॉज मेरे को बस स्किन केयर करना पसंद है. सो आई वॉन्ट माई स्किन टू बी वेरी हाइड्रेटेड, वेरी सफल, वेरी लाइक अच्छी शाइनी दिखनी चाहिए. ओके, आफ्टर अप्लाइंग ऑल द थिंग्स ऑन माई फेस, उसके बाद हम आते हैं आर नॉर्मल लिपस्टिक. ओके, द लिपस्टिक्स आई एम यूजिंग, ओह समवन इज ऑन द डोर. ऐसा हमेशा होता है व्हेन एवर आई स्टार्टेड फिल्मिंग ना कोई जरूर आता है. मेड अप. ओके सो आई एम बैक, देयर इज समवन लाइक डोर पे. क्या आपके साथ भी ऐसा होता है जब भी आप कुछ कर रहे होते हो, देयर इज समवन ऑलवेज ऑन द डोर एंड रिंग द बेल, टिंग टिंग टिंग, एंड सबको गेट नहीं खोलता. गाइस आपको चले जाना चाहिए वापस. डोंट मेक सेंस कि आप बेल बजाते जा रहे हो. ओके फॉरगेट इट. ओके नाउ नेक्स्ट वी हैव दिस लिपस्टिक. ओके द लिपस्टिक आई एम यूजिंग, दिस इज फ्रॉम अ नॉर्मल ब्रांड. This is from Huda Beauty and this is also from Huda Beauty. I always use a matte lipstick most of the times because oily skin होने की वजह से it just melted out और मुझे बहुत ज़्यादा sweating भी होती है, तो that's why. These both are the matte. पहले मैं इसको apply करती हूँ. Okay, camera नहीं दिखता मेरे guys. Everyone says that brown lipstick suits me a lot and I think I agree. आप comment section में बताओ हाँ. That brown or red which lipstick suits me. Okay, after applying this normal lipstick, it's like a basic normal lipstick जो होती है, this is from Huda Beauty. ठीक है, इसको use करने के बाद I always and always have mixed 2 or 3 lipstick in my lips. So this is from also Hexia Beauty non-transfer matte liquid lipstick. Okay, this one is my favorite. This is the best thing I always have. Okay, come on the next thing. After applying the lipstick, basically मैं makeup ज़्यादा करती नहीं हूँ क्योंकि makeup कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता, तो करने के बाद ही है. Okay, I want to introduce you to guys with my makeup box. This is so sweet. This is so cute. आप इसको कहीं भी carry कर सकते हो. Like just zip it off and you can carry it anywhere like a small suitcase you have. These are the pockets, side pockets, a front chain. Okay, and the best part is this, that it is having the partitions inside it. Okay, you can have the basic jewelry in it. अगर आपको कुछ भी tablets वगैरह जैसे कि मैंने रखा हुआ है. Also इसके अंदर बहुत सारा stuff है, मैं किसी next video में I'm gonna definitely show to you. Okay, after applying the stuff on my face, the skincare, the normal lipstick. उसके बाद आई यूजली हैव माई मस्कारा. ओके दिस मस्कारा इज फ्रॉम वॉल्यूमलाइज लैश पैराडाइज फ्रॉम लॉरियल पैरिस.
आई थिंक ये सब ने देखा होगा, दिस इज़ द बेस्ट मस्कारा आई हैव यूज़, क्योंकि मैं मस्कारा के लिए बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ होती हूँ और उसके लिए आई हैव टू लाइक सर्च सो मेनी टाइम्स एंड बहुत लोगों से पूछना पड़ता है, जो मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं जो ज़्यादा ब्यूटी में ध्यान रखते हैं, मतलब दे नो अबाउट द प्रोडक्ट्स एग्जैक्टली, सो आई आस्क देम. आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट मस्कारा एवर हैड टिल नाउ. आई डोंट नो आगे चल के कोई अच्छा और आने वाला है या नहीं, बिकॉज मैं जल्दी से ना चीज़ों पे भरोसा नहीं करती, प्रोडक्ट हो चाहे कोई और चीज़ हो. ओके, इफ यू एबल टू सी द डिफरेंस, राइट? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, आई डोंट नो हाउ टू डू मेकअप. अगर किसी को अच्छा मेकअप आता है तो प्लीज़ मुझे बताएं, क्योंकि मुझे ज़रूरत है एक मेकअप आर्टिस्ट की फॉर मेकिंग माई डांस वीडियोज़ ऑन यूट्यूब. मुझे खुद से ही करना पड़ता है जो भी करना पड़ता है और मुझे कुछ आता नहीं है मेकअप में, सो इसलिए प्लीज़ हेल्प मी आउट. ओके, आफ्टर अप्लाइंग अ स्मॉल लेयर ऑफ मस्कारा लाइक वन स्ट्रोक डाल के, ओके, मैं आईब्रोज जल्दी से करती नहीं हूँ, आई नॉट यूजुअली डू दैट. ओके, नाउ कम ऑन दिस आई शेडो पैलेट. मैं आई शेडोज वैसे तो लगाती नहीं हूँ, आई शेडोज आई यूज मोस्टली ऑन माई लिप्स, ऐसे करके एंड यू विल गोइंग टू डैप इट, इट विल गोइंग टू गिव यू अ ब्यूटिफुल टेक्स्चर. ओके, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड स्वीस ब्यूटी अल्टीमेट शेडो पैलेट एंड दिस इज जस्ट अबाउट आई थिंक 300 अप्रॉक्स, या एंड द शेड्स इट्स हैविंग, आई थिंक दीज आर द नॉर्मल इंडियन शेड्स विच यू कैन यूज इट लाइक एनी टाइम, अगर आप कहीं पर जा रहे हो यू कैन यूज इट लाइक वेरी इजिली. ओके, फॉर द लिप्स के लिए मैं यहाँ पे ये ब्राउन शेड है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट कलर क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में इतना नहीं हूँ एक्सपर्ट, बट स्टिल आई एम डूइंग. ओके, व्हेन यू हैव आई शेडो ऑन योर लिप्स ना, इट गिव्स यू लाइक अ मैट फिनिश. ओके, आफ्टर दिस आई शेडो, अगर हम बात करें आई शेडो की, सो आई यूजुअली हैव माय आई शेडोज विद लाइक गोइंग विद दिस लाइट कलर और दिस डार्क वन. मैं मोस्टली इस डार्क वन के साथ जाती हूँ दिस वन, क्योंकि मैं ज़्यादातर मस्कारा या लाइनर काजल लगाती हूँ तो लाइट वो बाहर अच्छा नहीं लगता इतना दिन में. कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू आईज? ज़्यादा मेकअप करने की जरूरत भी नहीं है वैसे भी, पर मुझे अच्छा लगता है करना, पर मुझे आता नहीं है गाइस. ओके, आई एम डन विद द आई शेडो, सिंपल आई शेडो. ओके, द इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांट टू शेयर दैट आई हैव दिस द हाइलाइटर, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम स्वीस ब्यूटी एंड दिस इज अबाउट 349 rupees, या 349 rupees स्वीस ब्यूटी एंड दिस इज अ गुड पैकेजिंग विद अ गुड पैकेजिंग, राइट? दिस इज आई, देखो आपको प्लास्टिक का कोई बॉक्स नहीं है, जस्ट लाइक हैविंग अ गुड टेक्सचर के साथ. ओके, यहाँ पे हाइलाइटर की अगर बात करते हैं, सो आई यूज मोस्टली दिस गोल्डन वन, ये गोल्डन वन के साथ आई गो ऑल द टाइम. मैं हाइलाइटर कभी यूज नहीं करती हूँ, कभी कभार यूज़ करती हूँ, और आज तक जब से आया है मैंने सिर्फ उसको दो बार यूज़ किया है, पर वो है ना कि सब कुछ होना चाहिए पास में, कभी जरूरत पड़े तो आपको मांगना नहीं पड़े. ओके, यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो मैं इसको एज अ चिक टिंट भी यूज़ कर लेती हूँ, तो उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है. ओके, आई विल गो विद दिस वन द सेकेंड वन. It's look nice. थोड़ा ज़्यादा हो गया. You have to like do it in a good manner.
बिकॉज फिर वो बहुत अलग दिखता है बाहर निकलने के बाद. इट लुक्स लाइक कि बहुत ज़्यादा लगा दिया. After applying this, I usually do when I done with my small makeup tutorials or makeup ke baad kabhi bhi mera kuch hota hai, toh I will just like take a tissue and dab all the makeup. Yeah, I'm done. And very important thing I want to share with you everyone, that whenever you are getting ready for some party or something like normal brunch or book, अगर आप कहीं भी पेंसिल आप भी नॉर्मल जा रहे हैं, यू विल हैव समथिंग लाइक आई लाइनर, मस्कारा, आप कुछ तो यूज करोगे. आफ्टर यूजिंग इट डेफिनेटली गो टू योर हाउस विंडो इन अ प्रॉपर सन सनलाइट, ओके, इन अ प्रॉपर सनलाइट, एंड टेक अ मिरर एंड जस्ट टेक लुक आफ्टर अ स्मॉल लुक आफ्टर टू योर होल फेस, कि कहीं से आपका मेकअप क्रीजिंग कुछ खराब तो नहीं हो रही, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि जो हम लाइटनिंग घर के लाइटनिंग में मेकअप करते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट एग्जैक्ट लुकिंग डिफरेंट फ्रॉम द मेकअप जो हम सनलाइट में जाके देखते हैं. Okay guys, if you like this video, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and don't forget to mention your comments and your suggestions. Please aap suggestions de diye taki kuch bhi main video banaun, so mujhe pata ho ki main kya mistakes kar rahi hu ya fir main kya aur acha kar sakti hu. Please give your suggestions in the comment below. Also, if you want any product, main uska description mein link daal dungi. Also, don't forget to give it a thumbs up to my video. Also, like, share and subscribe. Aapko ye video apne sare known one, sare family members ke saath share karni hai. Please show your love. Bye bye, take care.